गौतम, एक ना मार्केट के अंदर डिबेट से शुरू हो गई है कि क्या रिसेशन यूएस के अंदर आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितना डीप होगा या नहीं होगा। ठीक है, यूएस की बात जो हो रही है सो हो रही है, लेकिन उसका कनेक्शन भारत की आईटी कंपनीज के साथ काफ़ी हद तक जोड़ा जा रहा है। अगर आप नैस्डैक और डॉ के चार्ट भी देखते हैं तो ज़रा उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, और इसके अलावा आप आईटी कंपनीज के बारे में अपना टेक बताइए। आपको लगता है कि ये रिसेशन प्रूफ है या रिसेशन के साथ घुल जाएंगे? देखिए, हमने पिछले 3 सालों में देखा कि मार्केट काफी आगे तक डिस्काउंट कर जाता है। तो अगर रिसेशन है भी या आता भी है, मेरे हिसाब से वो काफी हद तक प्राइस एक्शन में ऑलरेडी है। तो आई थिंक उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना मेरे हिसाब से इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। अगर आप यूएस मार्केट की चार्ट देखें तो नैसडैक में अच्छा रिबाउंड है, नो डाउट अबाउट इट, बट मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता हूं कि वो बॉटम आउट हो रहा है। अगर आप सारे टॉप स्टॉक्स को देखें नैसडैक में, उनके चार्ट काफी खराब है। आप एप्पल को ही देख लीजिए, जिस तरह की प्राइस एक्शन रही है पिछले 2-3 महीनों में, आई थिंक दैट इज क्वाइट डिस्करेजिंग। और डाउ को अगर आप देखते हैं तो 32,500 नीचे में, 34,500 ऊपर में, ये डाउ का रेंज रहा है पिछले 2-3 महीने का, और अब डाउ अपर एंड ऑफ द रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो अगले हफ्ते में यूएस मार्केट्स में क्या होता है, आई थिंक वो डिसाइड करेगा इंडियन मार्केट ट्रेंड। अगर यूएस मार्केट इस लेवल से गिरता है तो इंडियन मार्केट्स, क्योंकि वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो वापस गिर सकता है। और अगर यूएस मार्केट्स में ब्रेकआउट आती है तब हो सकता है इंडियन मार्केट 8,300 क्रॉस करके हम वापस तेजी के बारे में बात करना चालू कर दे। बट अगर आपने आईटी के बारे में कहा, सारे नेगेटिव्स मेरे हिसाब से प्राइस में है, आई थिंक। और पिछले 1 साल में काफी जो आईटी स्टॉक्स है वो सब 40-50% गिर चुके हैं। हमने अच्छी बेसिंग फॉर्मेशन देखी है पिछले 2-2.5 महीनों में, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ से 10-12% की तेजी दे सकता है। आई नो इट इज नॉट वेरी बिग, बट स्टिल एक वीक मार्केट एनवायरमेंट में जहां पर निफ्टी की 10% की विजिबिलिटी हमारे पास नहीं है, वहां हम आईटी की है। आप टीसीएस का चार्ट देख लीजिए, आई थिंक एचसीएल टेक को देख लीजिए, काफी अच्छा कर रहे हैं। परसिस्टेंट हमारा फेवरेट है, इट वाज आवर दिवाली पिक, इट हैज डन वेरी वेल एंड वी स्टिल लाइक इट फॉर द लॉन्ग टर्म। साइंट को देख लीजिए, कोफोर्ट को देख लीजिए, आई थिंक ये सब स्टॉक्स में पोजिशन बनाइए, लॉन्ग टर्म में आपको ये रिटर्न देंगे।